हेलो फ्रेंड, वन सेकंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंटेक। फ्रेंड, हम आज के वीडियो में जानेंगे बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म को अपने मोबाइल फोन से कैसे फिलअप कर सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से। तो फ्रेंड, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहे। तो फ्रेंड, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सब्जेक्ट सेलेक्शन करना होगा और साथ में फ्रेंड आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेंड आपका ऑटोमेटिक फोटो और सिग्नेचर अपलोड रहेगा। और साथ में फ्रेंड, जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों को ₹1000 ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, आपको फाइनल सबमिट तक हम शो करके फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मिलती रहेगी। फ्रेंड, हमें गूगल पे जाना है, जहाँ सर्च करना है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, हम जैसे ही आजमगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया msdu.ac.in। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में फ्रेंड आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिया एग्जामिनेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट करके शो हो रहा है। फ्रेंड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, आप जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन देगा फिल न्यू फॉर्म 2022 23। तो फ्रेंड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हमें सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना फोर्थ सेमेस्टर का। तो फ्रेंड, हमें यूजी पीजी एनईपी सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर फीस पेमेंट वगैरह कुछ हो जाती है, आपको स्लिप नहीं डाउनलोड होता पेमेंट स्लिप, तो आप कॉल करके इस टोल फ्री नंबर पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, एग्जाम टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना यूजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर रेगुलर, क्योंकि फ्रेंड यूजी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम, तो आपको यूजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कोर्स में सेलेक्ट कर लेना। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट बीए का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो बीए सेलेक्ट कर लेंगे, और यही बीकॉम का आप सेलेक्ट करना चाहते हैं बीकॉम, बीएससी का होगा बीएससी। तो फ्रेंड, हम एक का फिलअप करके शो कर देते हैं, सेम स्टेप फॉलो करके आप बीए बीएससी बीकॉम का तीनों का फिलअप कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट हो गया सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, और साथ में बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, और फ्रेंड यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। तो फ्रेंड, हम एक का फिलअप करके शो कर देते हैं, सेम स्टेप फॉलो करके आपको हर एक क्लास का आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना हो या तो एनरोलमेंट नंबर और फादर या मदर नेम को फिलअप करके एडमिशन ईयर सेलेक्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे जो कि यहाँ पे कॉपी किए रोल नंबर को कॉपी किए उसको फिलअप करके उसके बाद फादर नेम फिलअप करके उसके बाद आपको शो करते हैं। तो फ्रेंड, हम रोल नंबर को भी फिलअप कर चुके हैं। फ्रेंड, हम रोल नंबर और फादर नेम और साथ में फ्रेंड एडमिशन ईयर आप दिस कोर्स को फिलअप कर लेते। जैसे फ्रेंड यहाँ पे आपको 2022 सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको कैप्चर कोड को फिलअप करना, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, हम सबको डिटेल फिलअप करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड नाम हो गया, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, मदर नेम और साथ में कोर्स डिटेल वगैरह आपका शो हो जाए। उसके बाद आपको एक गाइडलाइंस दी गई, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर, जिसमें दिया मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया और मैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आ रही हूँ। तो प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सेकेंड पेज भी आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम वगैरह सब कुछ आपका डिटेल शो हो जाएगा। उसके बाद दिया गया फ्रेंड, अगर आपके जन्मतिथि में कुछ त्रुटि है, अगर आपका जन्मतिथि सही नहीं, यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। और कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी में आपको ओबीसी से हैं बिलोंग करते हैं तो ओबीसी, जनरल से जनरल, जो भी कैटेगरी उसको फिलअप कर लें। फ्रेंड, हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी फिलअप कर लेंगे, और सब कैटेगरी में आपको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहाँ पे आपको रिलीजियन में आपको हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, आपका जो भी है उसको सेलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड, हम हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे दिया गया आपको आपका एड्रेस को फिलअप करना, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस दिया गया उसको फिलअप करके, उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करके आपको करंट एड्रेस पे कॉपी कर देना। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इस डिटेल को भी फिलअप करके फिर आपको शो करते हैं। फ्रेंड, हम एड्रेस को भी फिलअप कर चुके हैं, और साथ में फ्रेंड आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं आजमगढ़, अदर डिस्ट्रिक्ट से जो भी बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, हम आजमगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पिन कोड जो होगा उसको आपको फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड, हम जो कि पिन कोड को भी फिलअप कर चुके हैं, उसके बाद कॉपी फ्रॉम करेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस फिलअप हो जाएगा, उसके बाद बस आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड, हम डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद
फ्रेंड आपको रोल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पेपर आपको किस में देना। अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो इंग्लिश, और हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी। तो फ्रेंड हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड जो कि यहाँ पे हिंदी, जो कि हिंदी में पेपर देना चाहते हो, साथ में फ्रेंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर को भी फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको शो करते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे हम जो कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर वगैरह सब कुछ फिलअप कर चुके हैं, उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे दिया यूजी एन ईपी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके कॉलेज का नेम शो हो जाएगा, जैसे फ्रेंड यहाँ पे डीएबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आजमगढ़। और साथ में फ्रेंड यहाँ पे आपको पेपर सेलेक्ट करना, विषय पेपर के संबंध में त्रुटि होने पर विद्यार्थी अपने महाविद्यालय में संपर्क करें। जो भी अगर आपका सब्जेक्ट में कुछ गलती हो जाएगी तो फ्रेंड आपको अपने कॉलेज के द्वारा ही सही कराना होगा। तो फ्रेंड आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि मेजर में फर्स्ट नंबर पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड इसमें भी आपका पेपर शो होगा, जैसे फ्रेंड इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट। तो फ्रेंड यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जो फ्रेंड आपका जो भी पेपर होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड इनका इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट है, तो फ्रेंड हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड नंबर पे मेजर सेकेंड सेलेक्ट कर लेना, जिसमें फ्रेंड आपको यहाँ पे भी पेपर सेलेक्ट करना है, जैसे इनका जो कि फंडामेंटल ऑफ इंटरप्राइज, जो भी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट को आपको फंडामेंटल ऑफ इंटर्नशिप को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर फ्रेंड दिया गया मेजर थर्ड में आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी डिजिटल मार्केटिंग, जो कि हर एक जो कि सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट है। और फोर्थ नंबर फ्रेंड आपको इकोनॉमिक्स माइनर में इनको सेलेक्ट कर लेना, जो कि यहाँ पे मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस इनका ऑटोमेटिक माइनर सब्जेक्ट है। उसके बाद फाइव नंबर पे आपको वोकेशनल स्किल, वोकेशनल डेवलपमेंट में आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका होगा। तो फ्रेंड यहाँ इसका जो भी फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट है, इसमें आप देख सकते हैं बेसिक आप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, इसमें फ्रेंड आपको अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना। फिर भी फ्रेंड मैक्सिमम कॉलेज बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, योगा इंस्ट्रक्टर को सेलेक्ट कराते हैं। तो फ्रेंड इनका जो कि योगा है तो योगा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे तो फ्रेंड वाइज जो कि सीरियल नंबर से ही आपका सब कुछ यहाँ पे दिया रहेगा। तो फ्रेंड सॉरी फ्रेंड यहाँ पे जो कि सबसे नीचे योगा का ऑप्शन दिया, फ्रेंड हम योगा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर सिक्स नंबर पे फ्रेंड आपको करिकुलम सब्जेक्ट, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों का अनिवार्य सब्जेक्ट है। इसमें फ्रेंड आपका ऑटोमेटिक फिजिक्स, एजुकेशन एंड योगा सेलेक्ट हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आप पेपर पूरा देख सकते हैं, जो भी पेपर है। उसके बाद फ्रेंड आप सभी छात्रों को भी पता है बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं जारी किया गया, उस अवस्था में फ्रेंड आपको मैक्सिमम मार्क में एक फिलअप करना और मार्क अपडेट में भी एक फिलअप करना होगा। और फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपकी डिटेल यहाँ पे फिलअप, जो कि आप ऑटोमेटिक अपलोड देगी, जो कि थर्ड सेमेस्टर की डिटेल पे। उसके बाद फ्रेंड आपको एसआई एग्री पे क्लिक करके कैप्चर कोड को फिलअप करके सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आपको कुछ कहीं फॉर्म को एक बार अपने चेक कर लेना, उसके बाद आपको कुछ गलत हो तो उसके बाद आपको कॉलेज के द्वारा सही करा सकते हैं, अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए गए। और फ्रेंड यहाँ पे एसआई एग्री टू एबप वाले ऑप्शन पे हाँ मैं सहमत, उसके बाद आपको कैप्चर कोड को फिलअप करके सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करें एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। जितने फ्रेंड दिया गया फीस कम ज़्यादा गलत दिखने पर पेमेंट ना करें, छात्र अपनी फीस कन्फर्म करके ही पेमेंट करें। तो फ्रेंड आप देख सकते हो रोल नंबर हो गया और यहाँ पे फॉर्म नंबर, इनरोलमेंट नंबर वगैरह आपका ऑटोमेटिक सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद आपका नेम वगैरह, कॉलेज नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस पेमेंट, जो भी बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों को फीस पेमेंट जो कि 1000 रुपये करना होगा, 800 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये फ्रेंड यहाँ पे टोटल चार्ज दिया गया। आपको फ्रेंड पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद एक आपका यहाँ पे दिया गया प्लीज टेक ए नोट फॉर्म, फॉर्म नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है। फ्रेंड आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको साइड रख लेना है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका फीस पेमेंट करने के लिए आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं 1000 रुपये फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है, जिसमें आपको कॉलेज जो कि स्टूडेंट नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मेक पेमेंट। तो फ्रेंड आप यहाँ से यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई वगैरह किसी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो भी
मैक्सिमम स्टूडेंट है, यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया और यूपीआई सभी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको फोन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने का फ्रेंड यहाँ पे आपको दिया गया बाई पे बाई क्यूआर कोड। तो फ्रेंड आपको नीचे जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया क्यूआर कोड से भी आप अपनी जो कि फीस पेमेंट कर सकते हैं, तो अपना इंटर यूपीआई आईडी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, क्योंकि फ्रेंड क्यूआर कोड से आपको फोन पे या गूगल पे किसी से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप पे बाय क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आपको क्यूआर कोड को अपने फोन पे मोबाइल से आपको स्कैन करना है। उसके बाद जो भी आपका चार अंक डिजिट का एक पिन होगा, उसको पिन को आपको इंटर करेंगे। आपका फीस पेमेंट जब तक रिप्लेस हो के फीस पेमेंट ना हो जाए उसके तब तक आपको वेट करना है, तभी आपका फीस पेमेंट होगा। तो फ्रेंड आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे आपका फीस ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। अगर आप जो भी एक ही फोन से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फ्रेंड आपको इस वाले प्रिंट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फोन पे पे जाना है, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपका पीएस जो कि 3 पेज में आपका डाउनलोड हो जाए, उसको एक कॉलेज में जमा करना होगा। तो फ्रेंड हम फोन पे से आपको पेमेंट करके शो कर देते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो फ्रेंड आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड हम फोन पे को ओपन कर लिए हैं। फोन पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर आपके पास एक ही फोन है उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको सबसे ऊपर दिया क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं साइड में गैलरी का। तो फ्रेंड आपको गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो भी स्क्रीनशॉट ले क्यूआर कोड का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आपका देख सकते हैं यहाँ पे फीस पेमेंट करने के लिए 1000 रुपये महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी सब कुछ ओपन हो जाएगा। आपको प्रोसेड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको 4 अंक का डिजिट दो जो कि पिन होगा, उसको आप पिन को फिलअप कर देंगे, आपका फीस पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको इस वाले पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी 4 अंक का डिजिट होगा उसको फिलअप करके आपको आप अपना जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों की यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मिलती रहे।